हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैक्स किचन। आज मैं बनाऊंगी फ्राइड नूडल्स विथ वेज सूप। चलिए शुरू करते हैं। एक तपेले में मैंने 3 कप पानी गर्म किया है, उसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून तेल और 1 पैकेट नूडल्स को मैंने पकाया है 5 मिनट। अच्छे से डीप करें पानी में। देखिए बॉयल आना शुरू हो गया। हमारे नूडल्स जो है पक चुके हैं। अब हम इसे छन्नी में निकाल लेंगे, इसका सारा पानी निकाल देंगे। छन्नी में निकालने के बाद थोड़ा सा उसके ऊपर से कॉर्नफ्लावर डालेंगे हम और इसे अच्छे से नूडल्स में मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर को अच्छे से नूडल्स में लगा लेना है। हम इसे फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में तेल को लेंगे, उसको अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें इस तरीके से नूडल्स डालकर हमें डीप फ्राई करना है और दोनों तरफ कलर आने देना है, ब्राउन कलर। इसे पलटाते हुए दोनों तरफ फ्राई करेंगे नूडल्स को। देखिए एक तरफ कलर आ चुका है, अब मैं इसे पलटा दूंगी और दूसरी तरफ भी इसे ब्राउन होने दूंगी। इस तरीके से हम आधे जो नूडल्स इस तरफ फ्राई करेंगे और आधे फिर से सेम फ्राई करेंगे। आधे नूडल्स अब हो चुके हैं, हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में और बचे हुए नूडल्स को भी सेम हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे और दोनों तरफ इसे ब्राउन करके इसे भी निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए दूसरे तरफ का भी ब्राउन हो गया है, मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो गए, प्लेट में निकाल लें इसे भी। अब सेम कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल लेंगे और क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक इसमें डालकर इसे अच्छे से सौते करेंगे। 1 मिनट तक फ्राई करेंगे तेल में। इसके बाद हम सारे वेजिटेबल्स डालेंगे। मैंने यहाँ कैबेज लिए हैं, गोभी, गाजर सारे ग्रेटेड है और इसके बाद हम मटर डालेंगे। सारे वेजिटेबल्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक इसे तेल में भून लेंगे, पका लेंगे। अच्छे से मिक्स करें इसे और 2 मिनट इसे पकाएं। दो मिनट के बाद अब हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, एक टेबल स्पून या आप अपनी स्वाद के हिसाब से डालें। इसके बाद डालेंगे 1 टेबल स्पून विनीगर, 1 और आधा टेबल स्पून सोया सॉस। इसके बाद डालेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लें अच्छे से। इसके बाद हम डालेंगे इसमें काला मिर्च 1 टीस्पून, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 1 टेबल स्पून शक्कर और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे।
और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। पाँच मिनट इसे पकने दें। जब इसमें से अच्छा उबाल आने लग गया, सारी सब्जियां पक जाए, तो दो टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च को लेंगे प्याले में, थोड़ा सा पानी डाल के उसका पतला बैटर बना के हम इसमें डालेंगे, ताकि हमारा सूप जो है वो थोड़ा ठीक हो जाए। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हमारा जो सूप है वो रेडी हो जाएगा, फिर हम इसे गरम गरम सर्व करेंगे। देखिए हमारा सूप जो है बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। चलिए इसे एक बाउल में निकालते हैं और देखते हैं इसे सर्व कैसे करें। एक बाउल में हमें नूडल्स फ्राइड किए हुए लेना है और उसके ऊपर हम सूप डालेंगे। आधे नूडल्स को नीचे रख कर इसके ऊपर हम सूप डालेंगे और जो आधा नूडल्स फ्राई किए थे वो भी इसके ऊपर रखेंगे। फिर ऊपर से हम डालेंगे प्याज की पत्ती, गार्निश करेंगे थोड़ा सा ऊपर से गार्निश के लिए, और इसे गरम गरम हम सर्व करेंगे। लीजिए हमारे फ्राइड नूडल्स विथ वेज सूप रेडी है सर्व करने के लिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।